ब्रह्मा ने कहा, नारद मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन शिव हमारा सबका मूल है। मूल का जतन करने से कोई भी वृक्ष सलामत रहता है। वृक्ष के डाले को सिंचन करो जल से, वृक्ष के पर्ण को जल से सिंचन करते रहो, लेकिन वृक्ष का कोई आयु नहीं रहेगा। जो बुद्धिजीवी मनुष्य वृक्ष के मूल में जल सिंचन करेगा, वृक्ष की आयु रहेगी। शिव हमारा मूल है। हर बहुत लोग आज मूल को भूल गए हैं। क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या प्रवचन करते हैं, उसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा ने कह दिया शिव हमारा सबका मूल है। इसलिए सभी को अपने संसार और जीवन को सुरक्षित रखना है तो शिव के बिना कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकता। शिव हमारा सबका मूल स्थान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रह्मा जी ने गाया है और व्यास भगवान की रचना है। शाखा शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य। कोई भी शाखा को आपको हरी रखना चाहते हैं तो वृक्ष के मूल में जल सिंचन करना चाहिए। मूल में जल सिंचन करोगे तो पूरा वृक्ष सलामत, सुरक्षित और हरा भरा रहेगा। इसलिए आपके संसार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आपके जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो शिव के बिना कभी हमारा संसार, हमारा जीवन सुरक्षित रह नहीं सकता। जैसे वृक्ष के मूल में जल का सिंचन करते पूरी डाली 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 पर्ण पर्ण को जन मिलता है, वैसे जो शिवार्चन करता है उसे सभी देवता तृप्त हो जाते हैं, सभी देवियां तृप्त हो जाते हैं, सभी पितृ तृप्त हो जाते हैं। और हम गौरव से कहते जो रोज शिव जी का अर्चन करते हैं उसके पितृ तृप्त रहते हैं, उसके पितृ कभी अतृप्त नहीं रहता। ये मैं नहीं, ये ब्रह्मा जी ने गाया। तदा